जब अनुपम खेर ने योगी आदित्यनाथ को बताया था रील ही नहीं रियल लाइफ का विलेन। बता दें कि योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बन चुके हैं, लेकिन इस बीच बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर का वीडियो दोबारा एक ट्विटर हैंडल पर जबरदस्त वायरल हो रहा है। आई एम नॉट डिफेंडिंग नम जिन्होंने बोला उनको ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, उनको अंदर कर देना चाहिए जिन्होंने इस तरह की बदतमीजी की है। हैं कुछ ऐसे लोग पार्टी में जो बकवास करते हैं, चाहे वो साध्वी हैं चाहे वो और कोई योगी हैं, उनको अंदर कर देना चाहिए, उनको डांटना चाहिए और उनको निकाल देना चाहिए। ये वीडियो एक डिबेट का है जिसमें अनुपम खेर ने योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची के खिलाफ बयान दिया। इस वीडियो में अनुपम खेर ने योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची को बकवास करने वाला बताते हुए बाहर निकालने की बात तक कह डाली थी। इस दौरान उन्होंने आदित्यनाथ को रील ही नहीं रियल लाइफ का विलेन बताया था। ये वीडियो अब एक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है जो जबरदस्त वायरल हो रहा है। ये बयान उस समय भी हिट हो गया था क्योंकि आमतौर पर अनुपम खेर को बीजेपी का समर्थक माना जाता है। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी किरण खेर तो बीजेपी से सांसद भी हैं। दरअसल ये मामला उस वक्त का है जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे। इस मामले में अनुपम खेर ने कुछ विवादित बयान देने वाले कांग्रेसी नेताओं और बीजेपी नेताओं के नाम गिनाए थे। उस वक्त अनुपम खेर ने देश में इंदिरा गांधी के समय लगे आपातकाल का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर भी निशाना साधा था। यही नहीं, अनुपम खेर ने उस वक्त सोनिया गांधी परिवार को बाहर से आया हुआ भी बताया था। अब देखना यह है कि अनुपम खेर की कही बातें सच होती है या पीएम मोदी ने जो योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताया है वो सच होता है।